अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 सेट को डिस्कस करेंगे। और आज मेरी मैथ्स के हवाले से ये पहली वीडियो है, और सेट के हवाले से जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगी। और इंशाल्लाह ताला मैथ्स के हवाले से नेक्स्ट वीडियो से मैं बोर्ड में आने वाले तमाम 10th क्लास के जो सेट के हवाले से क्वेश्चंस हैं वो आपको समझाऊंगी करवाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट में यूनिवर्सल को समझते हैं। यूनिवर्सल में तमाम सेट्स के नंबर को हम एक साथ लिखते हैं। कंबाइन ऑल सेट एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, और सेट बी में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6, और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन में एक जैसे नंबर्स को, जो नंबर कॉमन्स होते हैं या सेम नंबर होते हैं, उनको एक साथ लिखते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है बी। ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। अगर आप दोनों में कॉमन नंबर देखें, एक जैसे नंबर, तो 2, 4, 6 एक जैसे नंबर हैं, कॉमन नंबर्स हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2, 4, 6। अब हम डिस्कस करेंगे डेल्टा को। डेल्टा में वो तमाम नंबर्स जो एक जैसे ना हो, ये इंटरसेक्शन का अपोजिट होता है। इंटरसेक्शन में एक जैसे नंबर्स को लिखा जाता है, डेल्टा में एक जैसे नंबर्स को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको लिखा जाता है, एक्सेप्ट सेम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी सेट हमारे पास है 2, 3, 5, 6। सेम नंबर्स को आप छोड़ के, 2, 2 सेम नंबर है, 3, 3 सेम नंबर है, 5, 5 सेम है, 6, 6 सेम है, इसके अलावा जो नंबर्स हैं 1 और 4 वो हम लिखेंगे ए डेल्टा बी में। नाउ वी डिस्कस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, जिस भी अल्फ़ाबेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होगा आपने समझ जाना है कि आपने उसके सेट को यूनियन के सेट में से माइनस करना है। यानी कि बिल फर्ज के आपके पास ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और यूनियन आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने यूनियन में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करके उनको काट के बाकी एलिमेंट्स को लिखना है। इसी तरह अगर आपके पास बी सेट दिया हुआ है तो बी के एलिमेंट्स को यू के एलिमेंट्स में से आप काट देंगे, उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स यू में बचेंगे वो आप लिखेंगे। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट में सी के एलिमेंट्स को यू में से आप काट के बाकी जो बचेंगे वो आप लिखेंगे। इस तरह आप मालूम करते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा डिफरेंस आ जाता है, जैसे ए माइनस बी या बी माइनस ए दिया हुआ है या ए माइनस सी दिया हुआ है, तो आप ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को काट के बाकी जो बचेंगे एलिमेंट्स ए में वो आप सेट में लिखेंगे, तो आपको ए माइनस बी फाइंड हो जाएगा। इसी तरह बी माइनस ए अगर फाइंड करना है तो बी के एलिमेंट्स में से ए के एलिमेंट्स को काट के बाकी सारे एलिमेंट्स जो बी में बच रहे होंगे वो आप लिख देंगे, तो आपके पास बी माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह अगर a माइनस सी फाइंड करना हो तो a के तमाम एलिमेंट्स में से c के तमाम एलिमेंट्स को काट के बाकी आप तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे, तो आपके पास a माइनस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस, ये कॉम्प्लीमेंट्स, डेल्टा, इंटरसेक्शन एंड यूनियन अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं सेट की, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये आपको समझ में आएंगी तभी चैप्टर सेट आपको समझ में आएगा। पहले इनको अच्छे से समझें, उसके बाद फिर जो मैं बोर्ड के जो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, जो 5 ईयर में हैं, जो 2019 2018 और पिछले तमाम सालों के ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जब आपको करवाऊंगी, समझाऊंगी, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।